सुप्रभात, मैं नायशा अरोड़ा कक्षा 4 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल कानपुर से आज आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है हर समस्या का समाधान। बादशाह अकबर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के मन में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। तब उन्हें वहीं एक पास में पड़ी हुई लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से कहा, अच्छा बीरबल, एक बात बताओ, क्या तुम इस लकड़ी को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर की मन की बात समझ गए और लकड़ी उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को बिना काटे छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं एक पास में पड़ी हुई बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए पूछा, महाराज एक बात बताइए, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल को पकड़ाते हुए बोले, अरे वाकई बीरबल, तुमने तो इस लकड़ी को बिना काटे छोटा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। धन्यवाद।